मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि है कंप्यूट इंजन। जी हां, ये बुनियाद है जीसीपी की। बहुत सारे सवाल एग्जाम में इससे आते हैं, फिर चाहे वो एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर हो या फिर आपका प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट हो। और मैं आपको एक चीज का और यकीन दिला दूं कि आज जो टॉपिक मैं कराने वाला हूं, या इसके अगले जो दो चार टॉपिक्स आने वाले हैं, दो चार वीडियो आने वाले हैं, ये इतने डिटेल में होंगे गाइस कि आपको इंटरनेट पे किसी भी एक जगह पे ये सारी डिटेल मिलना मुश्किल जैसा ही है। मैं नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है कल को कोई यहीं से देख के अपने भी क्रिएट कर दे, बट अभी फिलहाल में इस तरह से कहीं आपको नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारी ऐसी दिलचस्प बातें बताऊंगा जो कहीं नहीं बताई जाती हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जाती हैं। इवन जो लोग गूगल क्लाउड पे काम कर रहे हैं और अगर वो भी इस वीडियो को देखते हैं, तो डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो शायद आपको पता ही नहीं थी आज से पहले। तो बेहद सारी दिलचस्प बातें इस वीडियो में होने वाली हैं, आखिर तक देखिए। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि वर्चुअल मशीन का मास्टर बना दूंगा आपको गूगल क्लाउड में, कोई मसला नहीं आने वाला। और वो सारी बातें बताऊंगा जो जरूरी है इंटरव्यू के लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से, और एज अ गुड क्लाउड इंजीनियर जो जीसीपी में अगर आप बनना चाहते हैं, तो जो जो बातें आपके लिए रिक्वायर्ड है वो सारी मैं आज आपको बताने वाला हूं। और इससे पहले, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया और आज पहला ही लेक्चर देख रहे हैं, तो यार बहुत सारी सीरीज पहले से बना चुका हूं, AWS की, Azure की, DevOps की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी पहले ही कर दें, क्योंकि बहुत सारी अच्छी बातें आपको आगे मिलने वाली हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, ये सारे काम कर दिया करो, ठीक है। चले, बाकी यूट्यूबर्स की तरह आता नहीं है मुझे उतना बोलना ये सब, ठीक है। चले, तो देखिए आज हम जो बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं कंप्यूट इंजन की बात। तो देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि कंप्यूट गूगल के अंदर जो सर्विस है, ये कंप्यूट जो सर्विस है, इसके अंदर तीन चीजें गूगल ने डाली हुई है। पहली डाली हुई है कंप्यूट इंजन, दूसरी सर्विस का नाम है कुबरनेटिस इंजन, और तीसरी सर्विस का नाम जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, दैट इज वीएमवेयर इंजन, ठीक है। ये वीएमवेयर प्रोडक्ट अगर किसी के हैं ऑन प्रमाइसिस में, तो उनके सपोर्ट के लिए है। लेकिन ये तीनों सर्विस कैसी सर्विस है? सर्वर बेस्ड सर्विसेज हैं, सर्वर बेस्ड। कंप्यूट में ही तीन सर्विसेज और आती हैं जो सर्वर लेस होती हैं, गूगल ने उनको अलग से क्लासिफाई किया हुआ है, ऑल्दो वो पार्ट कंप्यूट का ही है, ये आपको याद रखना है। यानी सर्वर बेस्ड सर्विसेज का मतलब वो है जहां बैक एंड पे गूगल के डेटा सेंटर में, सॉरी नॉट गूगल के डेटा सेंटर में, मतलब आपको वो जो सर्विस है वो एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, एज अ सर्विस आपको मिलेगी, और वहां पे सर्वर एक आपको मैनेज करना पड़ेगा। या चले, ये सारी बातें छोड़ें, आप बस इतना याद रखें कि ये सर्वर बेस्ड है, या यहाँ पे एक आप कह लें काइंड ऑफ वीएम आपको मिलेगी या आपके लिए बनेगी। और एक होती है गूगल की सर्वरलेस सर्विस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बैक एंड पे सर्वर नहीं होता है इन सर्विसेज के लिए, बैक एंड पे गूगल के पास सर्वर होगा, बट आपको मैनेज नहीं करना है, आपको कोई भी चीज मैनेज नहीं करनी है, इसलिए आपके एंड से आप इसे ऐसा कह सकते हो इट्स अ सर्वरलेस, राइट। तो यहाँ पे अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, तो आप इसको ऐसा मान सकते हो, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें अपर लेवल तक थोड़ी बनके मिलती हैं। सर्वरलेस में अगेन इनके पास तीन चीजें होती हैं, एक होती है ऐप इंजन, एक होता है क्लाउड रन जो कि अभी रिसेंटली आया है, रिसेंटली तो नहीं, अब तो टाइम हो गया, एक होता है क्लाउड फंक्शन। ये तीन सर्वरलेस सर्विसेज हैं, सारी कुछ पढ़ाऊंगा, नो नीड टू वरी, सब कुछ पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं ये क्यों अभी आपको बता रहा हूं अपनी बात शुरू करने से पहले, क्योंकि अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम ये हिस्सा कवर कर रहे हैं, कंप्यूट इंजन। कंप्यूट के अंदर भी तीन चीजें होती हैं गूगल क्लाउड में, कंप्यूट इंजन, कुबरनेटिस इंजन, वीएमवेयर इंजन। इसके अलावा भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड भी डाल दिया है, बट उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो यहां पे कंप्यूट इंजन जो है ये हमने कवर करना है। और अगर किसी जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं YouTube पे, AWS पढ़ चुके हैं, Azure पढ़ चुके हैं, तो वहां पर अगर किसी को कंफ्यूजन है कि सर वो किस सर्विस की यहां बात हो रही है, तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया वर्चुअल मशीन। एक्चुअली गूगल ने चीजें कुछ ऐसी कर दी है जिससे कि वो बाकी क्लाउड के साथ बहुत अग्रेसिवली कंपीट कर सके या उनको बीट कर सके। इसके लिए गूगल ने क्या किया है कि उसने अपनी सर्विसेज के साथ ना नॉर्मल नाम भी जोड़ दिया जो नॉर्मल नोमेनक्लेचर में है, जैसे कि वर्चुअल मशीन, आप सबको बात समझ आती है, मैंने पिछले वीडियोस में इसके ऊपर बहुत तफसील से आपको पढ़ाया है कि वर्चुअल मशीन क्या होती है। तो वही वर्चुअल मशीन को गूगल क्या कहता है अपने क्लाउड पे, कंप्यूट इंजन के नाम से कहता है। गूगल कहता है भाई कंप्यूट इंजन इज नथिंग बट अ वर्चुअल मशीन।
पर गूगल में उसके टर्मिनोलॉजी में उसकी डिक्शनरी में इसको कंप्यूट इंजन कहा जाता है। यही बात अगर मैं आपसे कहूं कि भाई AWS में क्या कहते हैं इसको, तो आपको याद होगा सर AWS में तो इसको EC2 कहते हैं, इलास्टिक कंप्यूट क्या कहते हैं, इलास्टिक कंप्यूट सर्विसेज, नो मैं भी भूल गया, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है ना, आई थिंक ऐसे ही क्लाउड कंप्यूट या कंप्यूट क्लाउड, मैं भूल गया। तो EC2 इंस्टेंस जनरली हमें याद रहता है, तो EC2 कहते हैं। अगर मैं बात करूं Azure में सर्विस को क्या कहते हैं, तो वहां पर इसको वर्चुअल मशीन ही कहते हैं। तो Azure में नाम बड़े आसान होते हैं आपको पता है, तो इन्होंने उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भी अपने कंप्यूट इंजन को वर्चुअल मशीन कहा है। मैं आपको लैब में दिखाऊंगा अभी कि जब आप कंप्यूट इंजन को सेलेक्ट करेंगे तो अगले स्टेप पे वर्चुअल मशीन ही लिखा आएगा, VM इंस्टेंसेस ही लिखा आएगा, यानी गूगल भी इसको वर्चुअल मशीन ही कहता है, बट उसने जो इसका नाम अलग से दिया है औरों से अलग होने के लिए, तो वहां उसने इसको कंप्यूट इंजन कहा है। तो कंप्यूट इंजन इज नथिंग बट अ वर्चुअल मशीन। तो हम वर्चुअल मशीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्चुअल मशीन गूगल क्लाउड में कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, क्या खासियतें हैं, क्यों आखिर गूगल क्लाउड मार्केट में इतना ज्यादा जल्दी से बढ़ता जा रहा है, क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट में जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, इन सब का रीजन क्या है, सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आई होप ये किस्सा आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूट में हमारे पास ओवरऑल 6 सर्विसेज हैं, कंप्यूट इंजन, कुबरनेटिस इंजन और VMware इंजन, और 3 सर्वरलेस सर्विसेज हैं जो कि आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी कह सकते हैं उन्हें, ऐप इंजन, क्लाउड रन एंड क्लाउड फंक्शन। सबको पढ़ना है बट फिलहाल हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज कंप्यूट इंजन, तो वो कंप्यूट के अंडर में आता है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं ये बुनियादी बात आपको बताने वाला था। एक बात और आपसे मैं गुजारिश करके कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैं लिखवा रहा हूं ये आप ये समझ लें कि ये बहुत महीनों की मेहनत होती है जिसमें ये सारी चीजें हम लोग कलेक्ट करते हैं एज अ ट्रेनर, अपने पढ़ाने पे लर्निंग से सीखते हैं। तो बेटर होगा गाइस कि आप इसका बेस्ट यूज करने के लिए आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ स्क्रीनशॉट पे डिपेंडेंट ना रहें, उसको कॉपी में उतारें, उसको अपनी सॉफ्ट कॉपी बनाएं। मुझे याद है कि मेरे पिछले वीडियो में कई लोगों ने डेवऑप्स के नोट्स बनाए थे जो बाकी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुए थे, तो आप भी ये काम कर सकते हैं, बनाएं, हमारे साथ शेयर करें, हमारी मेल आईडी पे भेजें जो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, और उसको शेयर करें, पूरे नोट्स बनाते जाएं मेरे लेक्चर 1 से, ठीक है। इसीलिए मैं अब लेक्चर वाइज सारे लेक्चर बनाता हूं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए और उन्हें कहीं किसी इंस्टीट्यूट में ना जाना पड़े और अपने पैसे खर्च ना करने पड़े। तो देखिए गाइस, कंप्यूट इंजन की बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल एक मैंने कहानी बना दी है कि भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, ये वर्चुअल मशीन होती है, इसकी ही सारी बातें अगले लेक्चर्स में हम करने वाले हैं। कंप्यूट इंजन इज अ कस्टमाइजेबल कंप्यूट सर्विसेज दैट लेट्स यू क्रिएट एंड रन वर्चुअल मशीन ऑन गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये गूगल की खुद की डेफिनेशन है, मेरी डेफिनेशन नहीं है, और गूगल क्या कह रहा है, कंप्यूट इंजन का जिक्र यहां पे कर रहा है और आगे कहता है क्रिएट एंड रन वर्चुअल मशीन। देखो आप, तो गूगल खुद भी कह रहा है कि भाई ये वर्चुअल मशीन ही है, नथिंग एल्स। तो गूगल कहता है पर कंप्यूट इंजन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं जिस बैक एंड पे जो अपना होस्ट इस्तेमाल कर रहा हूं मैं उसको कंप्यूट इंजन नाम दे रहा हूं, और उस पर जो चीजें बनेंगी मैं कहता हूं ये वर्चुअल मशीन है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट गाइस। तो कंप्यूट इंजन इज अ कस्टमाइजेबल कंप्यूट सर्विसेज दैट लेट्स यू क्रिएट एंड रन, आप बना भी सकते हो, रन भी कर सकते हो अपनी वर्चुअल मशीन को गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। एक और दिलचस्प बात आपको बता दूं कि गूगल क्यों इतना पॉपुलर है मार्केट में, क्योंकि गूगल खुद की जो सर्विसेज इस्तेमाल करता है, फिर चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे वो गूगल डॉक्यूमेंटेशन हो, जो उनके गूगल डॉक्स आते हैं, गूगल वर्कमेल आती है, व्हाटएवर, जी सूट जो आता है, गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं वो खुद भी इसी क्लाउड का, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करता है, और वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपको प्रोवाइड कराता है आपकी सर्विसेज चलाने के लिए। यानी वो कोई डिफरेंस नहीं करता है, वो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल अपनी सर्विसेज के लिए कर रहा है, और आप जानते हैं गूगल की सर्विस कितनी अच्छी है, चाहे फिर वो यूट्यूब हो, चाहे जीमेल हो, चाहे वो इनका कोई और सर्विस हो, वो कितनी बेहतर सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सेम आप कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी आपको मिलने वाली है
है इनके क्लाउड पे, क्योंकि वही इंफ्रास्ट्रक्चर आप भी इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ये काम करते हैं। एक और गूगल के बारे में एक खास बात आपको बता दूं कि गूगल बैकएंड पे जो हार्डवेयर इस्तेमाल करता है, मैक्सिमम हार्डवेयर गूगल खुद डेवलप करवाता है, गूगल खुद बनवाता है, गूगल का अपना हार्डवेयर होता है। जितने भी सर्वर्स लगे हुए होते हैं बैकएंड पे, जितने भी स्टोरेज होती हैं, वो गूगल खुद डेवलप कराता है, अपनी R&D टीम है उनकी। वो मार्केट में आपको नॉर्मली वो प्रोडक्ट सेल में नहीं मिलेंगे, पर गूगल ने अपने लिए डेवलप कराए हुए हैं। तो मैक्सिमम पार्ट जो है गूगल का वो खुद डेवलप करता है। कुछ चीज़ें हैं जो वो बाहर से लेता है, जैसे कि AMD के प्रोसेसर हो गए, इंटेल का प्रोसेसर हो गया, कुछ चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स उन्हें भी बाहर से लेनी पड़ती है, बट मैक्सिमम पार्ट गूगल का खुद डेवलप किया जाता है, उनकी R&D टीम खुद डेवलप करती है और करवाती है। अगर किसी थर्ड पार्टी से भी करवा रही है तो अपने अकॉर्डिंग करवाती है कि हमें ऐसी चीज़ें चाहिए, इन पैरामीटर्स पर चाहिए, ये क्वालिटी है, ये है, उनकी R&D टीम है इस काम के लिए। तो बहुत आपको डीप की बातें मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो जनरली मैंने देखा है कि ट्रेनर्स अवॉइड कर देते हैं, नहीं बताते हैं, या बताते हैं तो पता नहीं चल पाता है। गूगल की स्टार्टिंग जब मैं करूँगा ना, तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ वर्चुअल मशीन, तो याद रखिएगा बुनियादी तौर पर गूगल में वर्चुअल मशीन दो टाइप की होती है। ये गूगल में ही ऐसा है और किसी क्लाउड में ऐसा नहीं है, AWS में ऐसा नहीं है, Azure में ऐसा नहीं है, उन सब जगह पे आपको एक ही टाइप मिलती है, दैट इज प्री डिफाइंड, आपको ये मिलती है। बट गूगल में आपके पास एक और ऑप्शन होता है कस्टम मशीन, और इसको आप इमेज से कंपेयर मत करिएगा, कस्टम इमेज या कस्टम मशीन इमेज ऐसा कंपेयर मत करिएगा। मैं बताता हूं ये क्या होता है, और मैं लैब भी कराऊंगा इन सारी चीजों की, परेशान नहीं होना है आपने। तो गूगल क्लाउड के अंदर देखिए कस्टम इमेज प्री डिफाइंड दो टाइप की होती है, और कस्टम इमेज ये सॉरी कस्टम मशीन जो होती है, इसका मतलब क्या है, GCP आपको ये एक स्पेसिफिक या कह लें कि एक बड़ा यूनिक फीचर देता है इन कंपैरिजन टू AWS या Azure, कि भाई जितनी साइज आपको चाहिए, आपको जितनी रैम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे रैम चाहिए 6.75 GB, मुझे इतने ही रैम चाहिए, ना तो मुझे 7 चाहिए ना मुझे 6.5 चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक रैम रिक्वायरमेंट है 6.75 GB, और मैं कहता हूं मेरे को जो स्टोरेज चाहिए वो मेरे को चाहिए फॉर एग्जांपल 700 आप कह लें कि 780 GB या कुछ ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर आपको है, तो आप ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का कस्टम मशीन गूगल क्लाउड पे बना सकते हो, जबकि एज्योर और AWS पे ये पॉसिबल नहीं है। आपको उससे मिलते जुलते साइज का जो भी प्री डिफाइंड उनके पास है, 7 GB वाली रैम का उनके पास हो सकता है कोई EC2 इंस्टेंस अवेलेबल हो, 8 GB रैम वाला अवेलेबल होगा, आपको वो लेना पड़ेगा। आप अब आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली 6.75 है, तो अगर आप 8 GB रैम का सर्वर लेते हो तो ऑफ कोर्स वो आपको महंगा पड़ेगा, अगर उतनी ही आपको एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है उतनी का ही मिल जाए तो सस्ता पड़ेगा। तो ये ऑप्शन गूगल क्लाउड में आपको मिलता है और किसी क्लाउड में आपको नहीं मिलता है। तो ये गाइस सबसे यूनिक फीचर है। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि गूगल क्लाउड की कुछ यूनिक फीचर बताएं जो अदर क्लाउड में नहीं है, सो दिस इज द वन फीचर। ऐसे मैं और बहुत सारे फीचर्स बताऊंगा, नोट डाउन करते जाइएगा, जो किसी और क्लाउड में आपको नहीं मिलेगा। तो कस्टम मशीन का जो फीचर है ये गूगल क्लाउड के ही पास है अभी तक, जहां आप स्पेसिफिक रैम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कितनी रैम चाहिए। वहां पे एक ऑप्शन होता है स्लाइड करने का, आप स्लाइड करते जाएंगे रैम कम ज्यादा होती जाएगी स्लाइड करने से, आपको जितनी रैम चाहिए उतनी ले लो, आपको जितनी स्टोरेज चाहिए उतनी ले लो, उसके अलावा आप उस बाकी जितने ऑपरेटिंग सिस्टम जो चीजें हैं वो सारी एज इट इज रहेंगी, पर रैम और स्टोरेज ये दो चीजें आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो। रैम और सॉरी CPU, नॉट स्टोरेज, स्टोरेज तो सभी में कर सकते हैं, वर्चुअल CPU, ठीक है। यहाँ पे CPU को वर्चुअल CPU को हम हमेशा कहते हैं, अगर मैं गलती से CPU भी कह रहा हूँ तो इसका मतलब वर्चुअल CPU ही है। जस्ट अ मिनट, मैं फोन को साइलेंट कर दूँ, इट्स नॉट साइलेंट, चले मैंने इसको साइलेंट कर दिया। तो मैं क्या आपको बता रहा था कि ये एक स्पेशल फीचर है गूगल क्लाउड के अंदर। तो हम जो अब कंप्यूट इंजन के डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे या हम जितने टाइप पढ़ेंगे कि वर्चुअल मशीन कितने टाइप की होती है, वो अपनी जगह है, पर वो सारी टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई होती हैं। आप कस्टम इमेज ले सकते हो प्री डिफाइन। तो अब हम जो टाइप्स पढ़ेंगे देखा जाए तो ओवरऑल वो प्री डिफाइन का पार्ट हो जाएगा। कस्टम इमेज तो एक अपने हिसाब से है, आप अपने हिसाब से
मैं बार बार कस्टम इमेज बोल रहा हूँ, कस्टम मनी मशीन। आप कस्टम मशीन जो है वो तो अपने हिसाब से है, आपको जितनी रैम लेनी है, जितना आपको वर्चुअल सीपीयू लेनी है, आप अपने हिसाब से एक कस्टम मशीन बना सकते हो। बट प्री डिफाइंड में क्या टाइप्स होती हैं, कितने टाइप की वर्चुअल मशीन गूगल क्लाउड आपको प्रोवाइड कराता है, वो सारी बातें हमें आज के लेक्चर में पढ़नी है और बहुत डिटेल में पढ़नी है। तो सबसे बुनियादी बात आपको समझ आ गई कि गूगल क्लाउड में मशीन टाइप दो तरीके के होते हैं, कस्टम एंड प्री डिफाइंड। अब हम आगे जितनी भी टाइप्स पढ़ेंगे वो प्री डिफाइंड की टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि कस्टम की तो ऐसा कोई टाइप नहीं है। आप अपनी मर्जी से साइज ले सकते हैं वर्चुअल सीपीयू का और रैम ले सकते हैं और एक मशीन क्रिएट कर सकते हैं। गूगल कंप्यूट इंजन इज कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मैंने ये चीज बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है। तो गूगल क्लाउड का ये जो कंप्यूट इंजन सर्विस है, यानी कि जो वर्चुअल मशीन्स हैं, ये किस में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आता है, क्योंकि ये एक सर्वर ही तो है। वर्चुअल मशीन का मतलब क्या है, वर्चुअल सर्वर। तो सर्वर क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, मैंने आपको पद बताया था। अब वर्चुअल मशीन इज लाइक अ फिजिकल हार्डवेयर सर्वर। तो देखो वर्चुअल मशीन क्या होती है, एक फिजिकल हार्डवेयर सर्वर जैसा ही तो होता है, काम बिल्कुल वैसा ही करता है, बट फिजिकल हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, एक आपके ऑफिस में वो रखा हुआ दिखता है। ये आपको कहीं टच नहीं करने को मिलेगी, कहीं रखी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये क्लाउड पे है, किसी दूसरे डेटा सेंटर में आपसे लाखों मीलों दूर है, वहां पे रखा हुआ है, बट आप उसे एक्सेस कर सकते हो, कॉन्फिगर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, वो सारे काम कर सकते हो जो एक फिजिकल सर्वर पे आप कर सकते थे, ठीक है। GCP isolates resources and sells them on a per server basis. तो GCP क्या करता है, वही काम करता है कि भाई अगर GCP के पास एक हार्डवेयर है, Google Cloud कैसे काम करेगा, उसका सपोज करें ये डेटा सेंटर है, इस डेटा सेंटर में सपोज करें उसके पास ये हार्डवेयर है, ये बड़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन का हार्डवेयर है, तो इस हार्डवेयर के ऊपर वो क्या करेगा, हाइपरवाइजर इंस्टॉल करेगा, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और उस हाइपरवाइजर के ऊपर वो मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली ये जो हार्डवेयर है इसके ऊपर गूगल क्लाउड आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देता है, और वो वर्चुअल मशीन एक दूसरे से आइसोलेट होती है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे इस हार्डवेयर के ऊपर तीन चार कंपनियों की वर्चुअल मशीन चल रही है, बड़ी बड़ी की वर्चुअल मशीन चल रही है, TCS की चल रही है, IBM की चल रही है, SCL की चल रही है, इन ब्रांड्स की वर्चुअल मशीन चल रही है, तो एक वर्चुअल मशीन दूसरे वर्चुअल मशीन का डेटा नहीं देख सकती, ना ही उसको बिना परमिशन के एक्सेस कर सकती है, दोनों आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब जैसे मैं इस कमरे में हूं, कोई बगल वाला दूसरे कमरे में है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको मेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे उसकी नहीं जा रही, मैं चाहूं तो मैं उसकी एक्टिविटी नहीं देख सकता, वो चाहे तो दीवार में से मेरी एक्टिविटी नहीं देख सकता। दिस मींस दिस इज आइसोलेटेड रूम, ये एक रूम है, इसने आइसोलेट कर दिया एक एरिया से मेरे को, मैं अब इस रूम के अंदर कन्फाइन हो गया। सो वर्चुअल मशीन जो होती हैं वो आइसोलेटेड होती हैं, भले ही वो एक ही हार्डवेयर पे चलें, बट वो इक्वली सिक्योर होती हैं जितना आपका फिजिकल हार्डवेयर उस पे चलने वाले आपके एप्लीकेशंस। तो यही बात यहां पर बताई गई है। अच्छा, गूगल के अंदर गूगल आपको किस हद तक के रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकता है, वो चीज आप यहां देख सकते हैं कि उसकी जो वर्चुअल मशीन है, आप छोटा सा सर्वर भी ले सकते हैं जिसकी ₹10 शायद या ₹2 पर आवर की कॉस्ट आएगी, या आप ऐसा सर्वर भी ले सकते हैं जिसकी 10,000 या 20,000 पर आवर की कॉस्ट आएगी। तो गूगल के पास आपको सारे साइज मिल जाएंगे, माइक्रो से लेकर, जिसमें माइक्रो में एक VCPU आपके पास आएगा, और उससे लेकर 160 वर्चुअल CPU तक के सर्वर आप गूगल पे ले सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं रैम की बात करूं तो 3.75 TB तक रैम आप गूगल के किसी सर्वर पे, इस हद तक के सर्वर गूगल के पास अवेलेबल हैं, 3.75 TB ऑफ रैम। मैं रैम की बात कर रहा हूं, यहां पे स्टोरेज या इंटरनल मेमोरी की बात नहीं कर रहा, रैम। आई होप आप में से मैक्सिमम लोग समझते होंगे रैम किसे कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये काम आती है प्रोसेसिंग के लिए ही, या कैश मेमोरी इसको आप कह सकते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये गाइज यहाँ पे बहुत ह्यूज साइज आपको मिल जाता है, ऑल दो अदर क्लाउड में भी ये साइज या इससे हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, तो इसमें मैं नहीं कहूंगा कि भाई ये टॉप नॉच है या टॉप लेवल पे है, मैं ये नहीं कहूंगा, हो सकता है कि AWS में इससे ऊपर या इसके इक्विवेलेंट मिल जाए, क्योंकि AWS में जहां तक मुझे याद है 4000 तक के आसपास, 4000 GB के आसपास तक उनके पास भी अवेलेबल है, तो ऑलमोस्ट नियर टू दिस ही है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। You can attach local SSD up to 3 TB.
लोकल एसएसडी क्या है, ये एक खास तरीके की स्टोरेज होती है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं एज्योर के साथ तो वहां एफेमेरल डिस्क के नाम से होती है, AWS के साथ करूं तो वहां पे ये इसका नाम क्या था, वहां पे इंस्टेंस स्टोर इसका नाम है। तो AWS में इस स्टोरेज का नाम होता है इंस्टेंस स्टोर, ठीक है, तो वहां पर इसको इंस्टेंस स्टोर कहते हैं। तो ये एक नॉन परसिस्टेंस स्टोरेज है जिसमें डेटा आपका टेम्पररी होता है। एज्योर में जनरली इसको टेम्पररी डिस्क कहते हैं। आप जब सर्वर क्रिएट करोगे विंडो सर्वर तो एक ड्राइव बनती है टेम्पररी डिस्क के नाम से, और आप जब उसे ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा विंडो ने वहाँ पे एक वार्निंग मैसेज भी डाला होता है कि इसमें अपना कोई भी इंपॉर्टेंट या क्रूशियल डेटा सेव ना करें क्योंकि आपका डेटा लॉस हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरेज होती है जो अगर आप वर्चुअल मशीन को स्टॉप कर देते हैं या आप वर्चुअल मशीन को जो है टर्मिनेट कर देते हैं तो आपकी ये डिस्क जो है ये डिलीट हो जाती है, इसका डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे VM को स्टॉप करने से भी डेटा रिमूव हो जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि ये बहुत फास्ट होती है। तो कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए कोई फाइल हमें बहुत फास्ट प्रोसेस करानी है, कोई ऐसा डेटा है जो स्टोरेज फास्ट प्रोसेस कर दे, तो उस केस के लिए हम इसका टेम्पररी लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी ऐसा डेटा नहीं रखेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म तक रखना है, उसके लिए हमारे पास दूसरी स्टोरेज होती है, वो परसिस्टेंट स्टोरेज हमारे पास होती है, वो उसका इस्तेमाल आप करेंगे। तो यहाँ पे लोकल एसएसडी आप लगा सकते हैं, और लोकल एसएसडी मैक्सिमम 3 TB तक की आप लगा सकते हैं, और मिनिमम 375 GB आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप लोकल एसएसडी लगाना चाहते हैं तो मिनिमम 375 GB का साइज आपको लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 3 TB तक की आप ले सकते हो। इसको डायरेक्ट अटैच स्टोरेज या मशीन अटैच स्टोरेज भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज DAS या फिर मशीन अटैच स्टोरेज MAS, ठीक है, ये भी इसको कहते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ये एक डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने ये जो हार्डवेयर लिया है यहाँ पे एग्जांपल में, इसी हार्डवेयर के अंदर जो स्टोरेज होती है वो इस हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस हार्डवेयर के अंदर ही है। सो दैट इज माय लोकल स्टोरेज, और ये हमेशा एक जोन में रहती है, जोन से मूव नहीं हो सकती दूसरी तरफ। क्यों? क्योंकि भाई ये तो लोकल स्टोरेज है, ये हार्डवेयर कभी मूव नहीं करेगा, हार्डवेयर इसी डेटा सेंटर में रहेगा। जब हार्डवेयर इसी डेटा सेंटर में रहेगा तो इसकी स्टोरेज भी इसी डेटा सेंटर में रहेगी, तो ये स्टोरेज कभी मूव नहीं करती है, इसीलिए ये एक टेम्पररी स्टोरेज होती है। ये आप मूव भी नहीं कर सकते, माइग्रेट भी नहीं कर सकते, इसके डेटा को भी माइग्रेट इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ टेम्पररी स्टोरेज, और ये मूवेबल भी नहीं होती है, ये एक ही जगह रहती है जहां जिस डेटा सेंटर में है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। तो लोकल एसएसडी कुछ इस तरीके की होती है। एंड परसिस्टेंट डिस्क अप टू 64 TB। परसिस्टेंट डिस्क वो डिस्क है जो आपकी बूटेबल डिस्क होती है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ होता है। याद रखिएगा, लोकल एसएसडी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते भैया, ये तो टेम्पररी स्टोरेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमेशा चाहिए आपको, तो वो यहाँ पे वैसे भी नहीं डाल सकता। तो इंटरव्यू में कई बार कोई पूछ लेता है कि क्या लोकल एसएसडी में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, और कई बार आप लोग कह देते हैं कि हाँ डाल सकते हैं, आपको लगता है स्टोरेज ही तो है, डाल सकते हैं। नहीं, आप नहीं डाल सकते। परसिस्टेंट डिस्क में आप क्या साइज ले सकते हैं, 64 TB तक की। 64 TB बहुत बड़ा साइज होता है गाइस, तो उस साइज तक की आप डिस्क ले सकते हैं। फिर भी आप कहते हो मुझे इससे ज्यादा चाहिए, आप मल्टीपल डिस्क अटैच कर सकते हो, पर एक डिस्क का मैक्सिमम साइज 64 TB तक हो सकता है। That too encrypted as well. और एक और दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं क्लाउड के बारे में, गूगल क्लाउड के बारे में। एक मैंने बता दी कि गूगल क्लाउड के अंदर कस्टम मशीन का ऑप्शन अवेलेबल होता है जो किसी क्लाउड में नहीं है। एक और ऑप्शन जो सिर्फ गूगल क्लाउड में है, किसी और क्लाउड में अभी तक नहीं है, वो ये है कि गूगल क्लाउड बाय डिफॉल्ट आपकी स्टोरेज को, आपके डेटा को, सारी चीजों को एनक्रिप्टेड रखता है, जबकि बाकी क्लाउड्स में ऐसा नहीं है, वहां पे आपको एनक्रिप्टेड करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। एज्योर में है, एज्योर की कुछ सर्विसेज में बाय डिफॉल्ट एनक्रिप्टेड होता है, कुछ चीजें नहीं होती हैं। बट गूगल क्लाउड में जितनी भी सर्विसेज आप इस्तेमाल करेंगे, वो गूगल मैनेज की, जो इनकी अपनी खुद की प्लेटफॉर्म मैनेज की होती हैं, उनसे ये मैनेज करते हैं, एनक्रिप्टेड रखते हैं आपके डेटा को एंड टू एंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सारा डेटा एनक्रिप्टेड रहता है गूगल क्लाउड में। तो ये एक बहुत यूनिक फीचर है जो अदर क्लाउड्स में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, होता वहां भी है बट वहां आपको इनेबल करना पड़ता है, यहां बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। दिस इज द डिफरेंस, वहां इनेबल करना पड़ता है, यहां नहीं करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्शन इनेबल होता है, चाहो तो डिसेबल कर सकते हो बट बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है।
एक और इंपॉर्टेंट बात जो शायद अदर प्लेटफॉर्म्स पे अदर डॉक्यूमेंटेशन में आपको ना मिले, मैं आपको बता रहा हूं, गूगल क्लाउड यूज करता है केवीएम हाइपरवाइजर का। गूगल क्लाउड जो अपना, ये मैं यहाँ पे हाइपरवाइजर की बात कर रहा हूँ कि इस हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर है, उस हाइपरवाइजर के ऊपर वर्चुअल मशीन बनाई जाती है। तो किस हाइपरवाइजर का गूगल क्लाउड इस्तेमाल करता है? केवीएम का इस्तेमाल करता है, दैट इज कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन, जो कि लिनक्स बेस्ड एक हाइपरवाइजर होता है। इसका इस्तेमाल गूगल क्लाउड में किया जाता है। अब आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि भाई अगर गूगल क्लाउड में केवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, चलो बड़ी अच्छी बात है, आपको पता, जनरली नहीं पता होता लोगों को, तो ये भी बता दो AWS किस हाइपरवाइजर का इस्तेमाल करता है। याद रखिएगा AWS इस्तेमाल करता है नाइट्रो हाइपरवाइजर का। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि Azure किस हाइपरवाइजर का इस्तेमाल करता है, तो याद रखिएगा Azure इस्तेमाल करता है Hyper-V का, जो उनका खुद का ही प्रोडक्ट है, तो Azure Hyper-V का इस्तेमाल करता है। तो मैं ये कंपैरिजन भी आपको बताता जा रहा हूं, सो दैट गूगल क्लाउड पे आपकी बुनियाद बहुत मजबूत हो जाए। यहां पे ये चीज याद रखिएगा कि गूगल क्लाउड में केवीएम हाइपरवाइजर का हम इस्तेमाल करते हैं बैकएंड पे, ये जो बैकएंड पे हमारा हार्डवेयर लगा होता है उनके डेटा सेंटर में, यहां हम इस हाइपरवाइजर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ओपन सोर्स है, लिनक्स बेस्ड हाइपरवाइजर होता है, इसीलिए इसको कर्नल बेस्ड कहा जाता है, क्योंकि लिनक्स कर्नल जो टर्म है वो लिनक्स में ही आती है। फास्ट बूटिंग टाइम अमंग ऑल क्लाउड प्रोवाइडर्स, जी हाँ, गूगल ने ये डिफ्रेंसिएशन अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, गूगल ने कंपेयर भी किया हुआ है, उसने वहां क्लाउड प्रोवाइडर का नाम नहीं लिखा, बट इंटेलिजेंटली कंपैरिजन में अपना कंप्यूट इंजन, जिसको वो GCE कहते हैं, गूगल कंप्यूट इंजन, याद रखिएगा गूगल अपनी हर सर्विस में आगे गूगल लगाता है, जैसे कि अमेजन अपनी हर सर्विस में इलास्टिक लगाता है, गूगल अपनी हर सर्विस के आगे गूगल लगाता है, तो कंप्यूट इंजन सर्विस को बेसिकली हम गूगल कंप्यूट इंजन यानी कि शॉर्ट फॉर्म में GCE कहते हैं। अगर कहीं आपसे कोई GCE की बात करे या कोई GCE की बात आ जाए, तो समझ जाना है कि ये बंदा कुछ और नहीं, वर्चुअल मशीन की बात कर रहा है। तो गूगल कंप्यूट इंजन, और वो वहां पे कंपैरिजन करते हैं उसका EC2 के साथ। तो भैया ये तो हमें पता है कि EC2 जो है वो AWS का इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, उनकी खुद की वर्चुअल मशीन को कहते हैं, तो फिर इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने नाम नहीं लिया वहां पे, बस ये लिखा है टॉप क्लाउड प्रोवाइडर। तो ये कहते हैं भाई हमारे सभी क्लाउड प्रोवाइडर में हमारा जो लेटेंसी है वो सबसे कम है, यानी हम सबसे फास्ट आप कह सकते हैं आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं, जो भी अगर आप हमारे यहाँ कोई वेब सर्वर बनाओगे। अलोंग विद दैट हम आपको बूटिंग टाइम सबसे कम देते हैं, मशीन सेकंडों में रेडी कर देते हैं। ये कहते हैं हमारा बूटिंग टाइम लेस देन 30 सेकंड है, जो किसी का नहीं है। तो ये कहते हैं मैं अगर आप हमारे यहाँ मशीन रेडी करते हैं तो 30 सेकंड्स के अंदर आपकी मशीन रनिंग हो जाती है। और गाइज ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, जब मैं भी आपको लैब कराऊंगा आप देखिएगा इनकी मशीन बड़ी फास्ट रेडी होती है। इनका जो क्लाउड है जिस पे जो इनके जो बैक एंड है, आपको पता है केवीएम पे चल रहा है, लिनक्स बेस्ड है, तो इस वजह से ये काफी फास्ट है। यहाँ पे बूटिंग टाइम बहुत कम होता है, चाहे आप इनकी लिनक्स मशीन बना लें, चाहे इनकी विंडो मशीन बना लें, रनिंग जो होती है, जो इनकी मशीन रेडी होने में जितना टाइम लेती है, बूट होने में जितना टाइम लेती है, वो बेहद कम है इन कंपैरिजन टू AWS एंड Azure। सबसे ज्यादा टाइम Azure में लगता है मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, सबसे कम टाइम गूगल क्लाउड में लगता है, और इसके बाद अगर सेकंड देखा जाए तो AWS में लगता है। Azure taking much time, Azure में चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कुछ ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन से नहीं कह रहा, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। All virtual CPU, GCP and GB of memory are charged a minimum of 1 minute. ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई गूगल क्लाउड के अंदर पर मिनट पे बिलिंग होती है या पर सेकंड पे होती है? तो याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने क्लियरली यहां पे लिखा है। After 1 minute, instances are charged in 1 second increments. यानी अगर आप कोई मशीन 30 सेकंड के लिए चलाते हो, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कोई मशीन 30 सेकंड के लिए चलाई, तो क्योंकि आपने मशीन अभी 1 मिनट भी नहीं चलाई है, तो आपकी जो बिलिंग लगेगी वो मिनिमम ऑफ 1 मिनट, यानी 1 मिनट का आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मशीन आपने चलाई है फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट और 10 सेकंड,
तो फिर आपको 1 मिनट 10 सेकंड का ही पे करना है, 2 मिनट का पे नहीं करना है। कहने का मतलब 1 मिनट तक तो आपको पे करना है पूरे मिनट का, उसके बाद जो बिलिंग होती है वो पर सेकंड के हिसाब से होती है। बात समझ आ गई? यानी अगर आपने 2 मिनट इस्तेमाल किया तो 2 मिनट की बिलिंग होगी, 2 मिनट 2 सेकंड इस्तेमाल किया तो 2 मिनट 2 सेकंड का ही पे करना पड़ेगा, 3 मिनट का पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपने वर्चुअल मशीन चलाई ही सिर्फ 40 सेकंड के लिए है, टोटल टाइम ही 40 सेकंड है, तो बिल कितना लगेगा? 1 मिनट का लगेगा। यानी मिनिमम 1 मिनट की बिलिंग लगेगी, उसके बाद जो बिलिंग गूगल क्लाउड में होती है वो अदर क्लाउड की तरह पर सेकंड ही है। और ये भी बता दूं कि गूगल क्लाउड ही वो पहला क्लाउड था जो पर सेकंड बिलिंग मार्केट में लेकर आया था। ठीक है, तो ये इनकी बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में पहले ले आए थे। जैसे कि गूगल क्लाउड के बारे में मैंने बताया कि गूगल क्लाउड मार्केट में पहले ही आ गया था, 2008 में ये भी आ गए थे, पर इन्होंने ऐप इंजन लेकर आए थे, ये कंप्यूट इंजन नहीं लेकर आए थे। और उस टाइम लोग ऐप इंजन क्योंकि बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज थी जो आज इस्तेमाल हो रही है, तो लोग उससे रिलेट नहीं कर पाए, उन्हें लगा नहीं कि यह हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में या हमारे आईटी इंडस्ट्री में किस तरह हेल्पफुल हो सकता है, और इस वजह से गूगल थोड़ा सा पीछे रह गया और आज वो उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैंने अब तक आपको कंप्यूट इंजन के बारे में बताई हैं। अब मैं आगे और डिटेल में जाता हूं और आपको इन्हीं वर्चुअल मशीन्स के टाइप्स के बारे में, किस टाइप की होती हैं, कौन सी स्टोरेज कनेक्ट की जा सकती है, किस टाइप का क्या पर्पज है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड वीएम या फिर मशीन फैमिलीज। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जीसीपी के अंदर 2 टाइप की आप वीएम क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम मशीन बना सकते हैं और प्री डिफाइंड बना सकते हैं। प्री डिफाइंड के अंदर कुछ फैमिलीज हैं, हालांकि ये कस्टम में भी आती है, मतलब कहने का मतलब आप कस्टम बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी साइज की अगर होगी तो वो उसी फैमिली के अंडर में आ जाएगी, इसका कुछ ऐसा नहीं है। बट प्री डिफाइंड के लिए जनरली ये फैमिलीज मानी जाती है क्योंकि ये इनके साइज फिक्स है, इनके फैमिलीज फिक्स है, सीरीज फिक्स है, तो ये प्री डिफाइंड की कैटेगरी में आती है। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन भी मैं यहाँ पे बारीक बारीक से डिफरेंशिएशन के साथ चीजों को लेकर आगे चल रहा हूँ, सो दैट आपको डिफरेंस समझ में रहे, आता रहे। देखो इस चीज को पढ़ने से पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है, कंप्यूट इंजन हैज 3 टर्म्स, क्योंकि अभी हम जो पढ़ेंगे इसमें 3 बुनियादी चीजें हमने पढ़नी है, मशीन फैमिली, सीरीज एंड मशीन टाइप। मशीन फैमिली से मतलब है कि देखो ऐसा होता है कि आप हमारी जैसे अगर हम खाना पीना भी खाते हैं तो कुछ फैमिलीज होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई काजू किस में आता है, आप कहेंगे ड्राई फ्रूट में आता है। मैं कहूं किशमिश किस में आता है, आप कहेंगे ड्राई फ्रूट में आता है। मैं कहूं सेब किस में आता है, आप कहोगे फ्रूट में आता है। मैं कहूं कि रेडिश किस में आती है, आप कहोगे वेजिटेबल में आता है। मैं कहूं कि पोटैटो किस में आता है, आप कहोगे वेजिटेबल में आता है। यानी हमारे पास फैमिलीज हैं, वेजिटेबल की एक फैमिली है, फ्रूट्स की एक फैमिली है, ड्राई फ्रूट्स की एक फैमिली है, जिनका स्पेसिफिक काम है। ड्राई फ्रूट्स जब भी माइंड में आता है तो समझ में आता है कि एनर्जी बूस्टर है, वेजिटेबल्स जब भी समझ में आता है तो समझ में आता है कि ये सब्जियां जो बनाते हैं वो वेजिटेबल्स से बनती हैं, फ्रूट्स जब भी आता है तो माइंड में आता है जूस और ये सारी चीजें माइंड में आती हैं। यानी फैमिली देखकर हमें समझ आता है कि इस कैटेगरी का क्या काम है। सिमिलरली जीसीपी के अंदर हमने कैटेगरीज को डिफाइन किया हुआ है कि भाई अगर कोई जनरल पर्पज है तो इसका मतलब ये नॉर्मल कामों के लिए है, कोई कंप्यूट ऑप्टिमाइज है तो ये कंप्यूटेशनल वर्क के लिए है, हैवी वर्कलोड के लिए है। कोई जीपीयू ऑप्टिमाइज है, एक्सीलरेटर जिसे हम कहते हैं, जीपीयू ऑप्टिमाइज है, इसका मतलब यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है, ये गेमिंग वेमिंग एप्लीकेशन के लिए होगा जहाँ गेमिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के फैमिली के नाम से क्लियर हो जाएगा कि ये सर्वर या ये मशीन किस तरीके के काम में इस्तेमाल की जाती है, उसे कहते हैं मशीन फैमिली। यहाँ पे सेट ऑफ प्रोसेसर, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हमने उनकी फैमिली डिफाइन की है। नॉर्मल कामों के लिए कम प्रोसेसर, कम हार्डवेयर वाली हमने रखी है, फिर हैवी यूसेज वालों के लिए अलग कैटेगरी बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसर और हार्डवेयर। ठीक है, इन्हीं फैमिली के अंदर सीरीज आती है, इनी फैमिली के अंदर क्या आती है, सीरीज आती है। अब जैसे हमने वेजिटेबल, फ्रूट और ड्राई फ्रूट बनाए, अब ड्राई फ्रूट में भी अगर आप देखोगे ना तो एक बादाम छोटा आता है, एक लार्ज साइज बादाम आता है ना, इस तरीके से आते हैं। जैसे फिग्स आती हैं, तो फिग्स में ईरानी फिग जो होती है, अफगानी फिग जो होती है वो बड़ी होती है, ईरानी फिग जो होती है वो छोटी होती है। फिग मतलब क्या बोलते हैं, अंजीर जिसे आप कहते हैं। तो यहां पर भी कैटेगरी होती है, ये छोटी है, ये बड़ी है ना। ऐसे फ्रूट्स आते हैं तो छोटे सेब भी आते हैं, फिर रॉयल एप्पल आता है, फिर
इंपोर्टेड में भी बड़े बड़े एप्पल आते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ कैटेगरी है आमों की। अब मैं सबसे आसान एग्जाम्पल लूँ तो आमों की मैं बात करूँ तो आमों में दशहरी आता है, लंगड़ा आता है, चौंसा आता है, है? और हमारे यहाँ जो बड़ा फेमस है वो कौन सा रहता है, चौंसा भी काफ़ी फेमस है, लंगड़ा भी काफ़ी फेमस है, और सफ़ेदा जो अभी नॉर्मल चलता है आप मैंगो शेक पीते हैं। तो यहाँ पर इनकी कैटेगरीज हैं एक फैमिली के अंदर। आम तो एक फैमिली हो गई, फ्रूट एक फैमिली हो गई, फ्रूट के अंदर एक कैटेगरी आ गई आम, आम के अंदर भी आपने तरह तरह की कैटेगरी बना दी। तो यहां पर क्या है कि फैमिली के अंदर सीरीज होती है, यानी अगर एक फैमिली है, मैं मिसाल के तौर पे यहां पे फैमिलीज दी हुई हैं जनरल पर्पस, तो जनरल पर्पस के अंदर भी मल्टीपल सीरीज होगी। एक बेसिक लेवल सीरीज होगी जिसमें छोटे छोटे सर्वर बना सकते हो आप, जिनमें कम रैम है, कम सीपीयू है, और फिर बड़े सर्वर भी होंगे उसी के अंदर। तो वो सीरीज वाइज डिफाइन है कि ये सीरीज यानी कि इसके अंदर इतनी रैम इतना सीपीयू मिलेगा, ये सीरीज इसके अंदर इतना रैम इतना सीपीयू मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने फैमिली के अंदर सीरीज बनाई है। फिर सीरीज के अंदर भी मशीन टाइप आती है। मशीन टाइप का क्या मतलब है कि भाई उस सीरीज में भी आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं। अब जैसे मैं जनरल पर्पस की बात करूं तो यहां पे N1 सीरीज या N2 सीरीज होती है, तो N2 सीरीज हो गई। अब N2 के अंदर भी आपको 4 सीपीयू वाला मशीन चाहिए या 2 सीपीयू वाला मशीन चाहिए या 6 सीपीयू वाला मशीन चाहिए, दैट इज मशीन टाइप। तो आप अपने अकॉर्डिंग उस सीरीज में भी, ऐसा नहीं है सीरीज तो एक रेंज हो गई, अब उसके अंदर भी मल्टीपल टाइप है कि 2 सीपीयू वाली मशीन भी अवेलेबल है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 8 से ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ये उस सीरीज की लिमिटेशन है किसी सीरीज की। फॉर एग्जांपल तो मशीन टाइप कितनी हो गई वहां पे, 4 मशीन टाइप है, एक में 2 सीपीयू अवेलेबल है, एक में 4, एक में 6, एक में 8। अब आप कहोगे मुझे 8 से ज्यादा इस्तेमाल करना है, चेंज योर सीरीज, क्योंकि आप गलत सीरीज में है। अगर आपको इससे ज्यादा रैम चाहिए तो फिर आपको कंप्यूटर ऑप्टिमाइज में जाना पड़ेगा। सो इन दैट वे हमारे पास 3 टर्म्स होती है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब यहां अंग्रेजी में जो लिखा है वो आप लिख लीजिएगा, अच्छा मैं साइड भी हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां मैंने बहुत अच्छे से समझा दी। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे कि हमारे पास कितने टाइप की प्री डिफाइंड वर्चुअल मशीन्स होती हैं, या फिर इसको कहा जाता है मशीन फैमिली। तो मशीन फैमिली के नाम से गूगल ने इसको बोला है, कंप्यूट इंजन मशीन फैमिली। तो या आप इसे कंप्यूट इंजन मशीन फैमिली भी पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को, या फिर आप कह सकते हैं टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन इन गूगल क्लाउड, दोनों ही बातें ठीक है। पर याद रखिएगा प्री डिफाइंड की कैटेगरी है, ठीक है। कस्टम में भी मतलब कस्टम एक अलग ही कैटेगरी है, चलो मैं उसको कंफ्यूज नहीं करूंगा, प्री डिफाइन की कैटेगरी है ऐसा समझो। अब यहां पर कितनी कैटेगरी बनाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने टोटल 6 कैटेगरी बनाई है। लेकिन आप अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको 5 मिलेंगी, एक गूगल की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे 4 मिलेंगी, 1, 2, 3, 4। पर गूगल की ही जब एक्सटेंसिव रिसर्च करेंगे तो कुछ जगह पे उन्होंने 5 मेंशन करी है, शेयर्ड कोर को भी इसका पार्ट दिखाया है, टाइप ऑफ प्रीडिफाइंड वीएम का। इसको किसी ने भी इसका पार्ट नहीं दिखाया है, सोल टीन एंड नोट्स को, बट मैंने इसको क्यों डाला है, क्योंकि फिर ये एक अलग कैटेगरी बन जाती है, मिस होने के चांसेस है, तो मैं चाहता हूं कि इसे इसी के अंदर सिखा दूं। ऑल्दो अगर कोई आपसे पूछे तो ये 5 कैटेगरी होती है, 6ठी कैटेगरी मैंने एड ऑन खुद से कर दी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैं चाहूं तो चले इसी में रहने दे, ठीक है ना। तो ऑफिशियली 5 कैटेगरी होती है, 6ठी मैंने इसलिए ऐड करी है ताकि ये टॉपिक स्किप ना हो जाए, क्योंकि सोल टीनेंट भी एक कैटेगरी होती है, एक फैमिली तो नहीं है बट ये एक कैटेगरी है सर्वर को लेने की, तो ये मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, फैमिली में नहीं आता ये, दैट इज ट्रू, ठीक है। अब मशीन टाइप क्या होता है, मशीन टाइप इज अ सेट ऑफ वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ वर्चुअल मशीन इंक्लूडिंग द सिस्टम मेमोरी साइज, वीसीपीयू एंड पर्सिस्टेंट डिस्क लिमिट। तो ये जो मशीन टाइप की मैं यहां बात कर रहा था कि हर किसी के पास प्री डिफाइंड मशीन टाइप होते हैं, 2 सीपीयू वाली मशीन होगी, एक 4 सीपीयू वाली, एक 8 सीपीयू वाली, तो दैट इज अ मशीन टाइप्स। तो वो उसकी डेफिनेशन यहां पे लिखी है, इन कंप्यूट इंजन मशीन टाइप्स आर ग्रुप्ड एंड पुट इनसाइड फैमिलीज एंड देयर बिहेवियर ऑन वर्कलोड। तो मैंने वही कहा कि वो सारी फिर मशीन टाइप किसके अंदर आ जाती हैं, सीरीज में, और वो सीरीज किसके अंदर आ जाती हैं, फैमिली में। तो वही चीज यहां अपोजिट डायरेक्शन में लिखी है कि हमने कहा कि मशीन टाइप एक सीरीज के अंदर आ जाती हैं और वो सीरीज किसी फैमिली के अंदर होती है, ठीक है। तो इस वे में भी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने हायरार्की ऊपर से नीचे की तरफ पढ़नी है या नीचे से ऊपर की तरफ पढ़नी है, ठीक है। तो
आई होप गाइस ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर ये चीजें क्या है ये भी दोबारा मैं आपको अगले अभी शॉर्ट में दिखाता हूँ कि जनरल पर्पस क्या होता है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज का क्या काम है, मेमोरी ऑप्टिमाइज का क्या काम है, जीपीयू। गूगल ने यहाँ पे इस टर्म को जो है कुछ जगह पे जीपीयू नाम से इस्तेमाल किया है। जब आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो आपको जीपीयू ऑप्शन मिलेगा। जीपीयू इज नथिंग बट एक्सीलरेटर ऑप्टिमाइज, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शेयर्ड कोर एक स्पेशल टाइप है, ये आपको याद रखनी है। सोल टीनेंट डेडिकेटेड होस्ट आप कह सकते हैं AWS से, अगर मैं कंपेयर करूं कि पूरा हार्डवेयर ही आपको आपका खुद का डेडिकेटेड होता है, उसे कहते हैं सोल टीनेंट नोड्स, ठीक है। तो ये भी मैंने यहां इसके अंदर डाल दिया है एंड आई थिंक कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। ओके, ये लास्ट पॉइंट आप यहां देख सकते हैं, कस्टमर यूजिंग गूगल कंप्यूट इंजन। कौन कौन से कस्टमर हैं गूगल के, बड़े कस्टमर हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल के इस वर्चुअल मशीन को, तो पेपाल एक बड़ा नाम है, ट्विटर एक बड़ा नाम है, P&G प्रॉक्टर एंड गैम्बल आप देख सकते हैं, एयरबस एक बड़ा नाम है, ETSY एंड स्काई, ये सब बड़े नाम है, बड़े कस्टमर है गूगल के पास जो गूगल के कंप्यूट इंजन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कैटेगराइजेशन जो मैंने यहाँ पे की है अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई जो ये हमारी वर्चुअल मशीन्स हैं ये कितने टाइप की, जो हमने फैमिलीज की बात की थी उन फैमिलीज का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टेबल आप बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, सारे एग्जाम में सवाल इसी से आएंगे या इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा तो इन्हीं पॉइंट्स में से पूछा जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर। तो देखिए हमारे पास मैंने आपको बताया चार फैमिली बुनियादी तौर पर हैं, जनरल पर्पज़ है, ये हो गई जनरल पर्पज ही है ये पूरा, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग कैटेगरी है, उस फैमिली में हमने कैटेगराइजेशन कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज। तो दिस इज अ डिफरेंट सीरीज, दिस इज अ डिफरेंट सीरीज, दिस इज अ डिफरेंट सीरीज, तो जनरल पर्पज है, जनरल पर्पज ये पूरा है। उसके अलावा जो दूसरी टाइप है फैमिली की वो मेमोरी ऑप्टिमाइज है, तीसरी है कंप्यूट ऑप्टिमाइज और चौथी है एक्सीलरेटर ऑप्टिमाइज। अब आप कहेंगे सर आपने शेयर्ड कोर और जो सोल टीनेंट बताया था वो मैं अलग से अभी आपको जस्ट इसके बाद बताऊंगा, नो नीड टू वरी। तो फिलहाल ये चार बुनियादी कैटेगरी टाइप्स हैं जो आप जब कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे गूगल क्लाउड के ऊपर तो आपको यही चार ऑप्शन नजर आएंगे। शेयर्ड कोर या वो आपको अलग से सेलेक्ट करना पड़ता है, वो अलग ऑप्शन है। तो इन चार ऑप्शन में क्या बुनियादी फर्क है वो जरा हम देख लेते हैं। देखिए जैसा कि जनरल पर्पज के नाम से क्लियर है कि ये एक नॉर्मल डे टू डे, यहां पर लिखा हुआ है डे टू डे कंप्यूटिंग एट अ लोअर कॉस्ट। अगर आपको डे टू डे टास्क करने हैं, बेसिक टास्क करने हैं जहां पे एक बैलेंस आपको चाहिए, आपको अपना प्राइस भी ठीक ठाक चाहिए और आप साथ साथ ये भी चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा नहीं बट एवरेज रैम मिल जाए, एक एवरेज सीपीयू मुझे मिल जाए जो जो मेरा काम चल जाए, तो उस तरह के इंस्टेंसेस आप इस कैटेगरी में ले सकते हैं जनरल पर्पज़ के अंदर। तो जनरल पर्पज़ में भी तीन कैटेगराइजेशन किए हुए हैं, एक बिल्कुल लो वाला, फिर उससे बैलेंस वाला और फिर उससे टॉप वाला। आप देख सकते हैं डे टू डे कंप्यूटिंग एट अ लोअर कॉस्ट, E2 में आपको सबसे सस्ता इंस्टेंस मिलेगा, सबसे सस्ता कम पैसों में काम चलाने के लिए, जिससे आप छोटे छोटे टास्क कर सकते हैं जैसे कि वेब सर्विंग कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन बेसिक से बना के चला सकते हैं, कोई बैक ऑफिस के काम कर सकते हैं, इवन छोटे मोटे डेटाबेसिस वाला काम आप कर सकते हैं, माइक्रो सर्विसेज आप चला सकते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप आप चला सकते हैं, बेसिक लेवल के काम आप कर सकते हैं, बहुत एडवांस डेटाबेसिस नहीं चला सकते या बहुत ह्यूज डेटाबेसिस नहीं आप चला सकते। बट हाँ, अगर आपको सस्ते काम करने डे टू डे टास्क है आप ये टाइप का लेकर आप अपना काम चला सकते हैं। फिर इसी जनरल पर्पस के अंदर एक बैलेंस कैटेगरी आती है जिसमें सीरीज आपको मिलेगी N1। दीज आर दी सीरीज गाइस, ये जितने भी मैंने यहां लिखे हैं ये पूरी सीरीज की कैटेगरी है, आपको सीरीज नजर आ रही है, ये गूगल क्लाउड की सीरीज होती हैं, ठीक है। इन सीरीज के अंदर ही फिर मशीन टाइप हमारी आती है। तो सीरीज हमारे पास E2 है जो जनरल पर्पज में होती है, जनरल पर्पज में ही N1, N2 और N2D होता है। याद रखिएगा अगर किसी भी सीरीज के लास्ट में D लिखा है इसका मतलब है कि उसमें AMD प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, तो लास्ट में D का मतलब ये होता है। जो बीच में 2 होता है ये जनरली जनरेशन को शो करता है कि ये कौन सी जनरेशन है, जैसे N1 जो है वो ओल्ड जनरेशन है, N2 जो है वो न्यू जनरेशन है। साथ साथ ये 2 ये भी शो करता है कि यहाँ पे vCPU कितने हैं। जनरली अगर आप जब इसमें मैं आपको लैब कराऊंगा तब दिखाऊंगा, अगर किसी के आगे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है तो इसका मतलब होता है उतने CPU वहां पे हैं, उतने कोर वहां पे हैं, राइट। तो उस तरह का ये बेसिकली ये नंबरिंग वहां पे इस बेस पे होती है, मैं आपको लैब में एग्जैक्टली दिखा दूंगा, ठीक है।
N1, N2, N2D तीन कैटेगरी हैं, ये भी जनरल पर्पस में आती हैं, E2 भी जनरल पर्पस में आती है। ये बैलेंस्ड प्राइस परफॉर्मेंस देती है अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ VM शेप्स। तो आपको यहां पर एक बैलेंस्ड मिलता है, इससे थोड़ा सा एडवांस है, इससे थोड़े से ज्यादा काम ये कर सकता है क्योंकि इसके पास थोड़ी ज्यादा रैम या थोड़ी ज्यादा मेमोरी आप कह सकते हैं कि इसके पास होती है। मेरे ख्याल में मैक्सिमम अगर आप चेक करोगे तो इसमें जो रैम अवेलेबल है वो एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है, अभी बता दूंगा या लैब में बता दूंगा, ठीक है, लैब में पूरा डिफरेंशिएशन कर दूंगा, अब सारा मुझे भी याद नहीं रहता। बट दिस इस कैटेगरी में ये हाईएस्ट मिलता है आपको, N2D में आपको हाईएस्ट रैम और मेमोरी मिलेगी जनरल पर्पस के अंदर। ये इसमें आपको जो भी मैक्सिमम होगा वो N2D में आपको मिल जाएगा। दिस इज द एडवांस वन। तो इसमें भी क्या काम कर सकते हैं, वेब सर्विंग कर सकते हैं, ऐप सर्विंग कर सकते हैं, बैक ऑफिस का काम कर सकते हैं, डेटाबेसिस पे काम कर सकते हैं, कैशे का काम कर सकते हैं, मीडिया स्ट्रीमिंग का काम भी यहां से लिया जा सकता है। इसके बाद इनके स्केल आउट ऑप्टिमाइज आते हैं जिसमें टाओ या टाओ 2D आता है, बेस्ट परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट फॉर स्केल आउट वर्कलोड्स, जहां पे हैवी वर्कलोड आपका है, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन के लिए आप जनरल पर्पज में इस कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केल आउट वर्कलोड्स, वेब सर्विंग, कंटेनराइज्ड ऐप सर्विसेज, ये सारे काम है जो आप यहां से कर सकते हैं। जनरल पर्पज के बाद जो दूसरी हमारी फैमिली आती है दैट इज मेमोरी ऑप्टिमाइज। जैसा कि नाम से क्लियर है मेमोरी, मेमोरी से हमेशा एक बात याद रखिएगा, मेमोरी से मतलब होता है रैम। तो अगर कोई मेमोरी ऑप्टिमाइज कैटेगरी है तो सिंपल सी बात है कि वहां पे ज्यादा रैम आपको मिलने वाली है। तो ज्यादा रैम की जहां जरूरत होगी उन तरह के टास्क के लिए आप मेमोरी ऑप्टिमाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फैमिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सीरीज की बात करूं तो इसके अंदर दो सीरीज अवेलेबल है, M1 एंड M2, दो सीरीज आपको यहाँ पे मिलती है मेमोरी ऑप्टिमाइज के अंदर। उनका पर्पज क्या है, अल्ट्रा हाई मेमोरी वर्कलोड्स के लिए जहां पर बहुत ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट है, ऐसे काम कर सकते हैं। और ये वो कैटेगरी है मेमोरी ऑप्टिमाइज, वो कैटेगरी है जहां पे आपको हाईएस्ट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस VM फैमिलीज मिलता है, यानी सबसे ज्यादा रैम अगर आपको चाहिए किसी सर्वर पे तो वो इसी कैटेगरी में आपको मिलेगी, सबसे ज्यादा रैम। इन सभी कैटेगरीज में सबसे ज्यादा रैम वाले सर्वर आपको इस कैटेगरी में मिलेंगे। ओके, यहाँ पे क्या काम आप कर सकते हैं, मीडियम लार्ज इन मेमोरी डेटाबेसिस सच एज SAP HANA पे आप काम कर सकते हैं, इन मेमोरी डेटाबेसिस एंड इन मेमोरी एनालिटिक्स पे आप काम कर सकते हैं, यानी कुल मिला के डेटाबेसिस का काम, बहुत ज्यादा डेटाबेसिस प्रोसेसिंग जहां हो रही है, चाहे वो SQL हो चाहे वो नॉन SQL हो, जहां पर भी बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग का काम है, एक्सटेंसिव वर्कलोड है, रैम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कैश मेमोरी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप मेमोरी ऑप्टिमाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑप्टिमाइज की जब बात आती है तो याद रखिएगा यहां पे आपको ज्यादा वर्चुअल CPU प्रोवाइड किए जाते हैं। कंप्यूट ऑप्टिमाइज का मतलब ही है ज्यादा वर्चुअल CPU आपको प्रोवाइड कराना कंप्यूटेशनल वर्क के लिए, जहां पे बहुत ज्यादा साइंटिफिक एल्गोरिथम्स पे काम हो रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हो रही हैं, ऐसा कुछ भी काम है तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर भी इनके पास दो कैटेगरी है, C2 और C2D इनके पास है, D अगर लगा है तो अगेन AMD प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फॉर कंप्यूट इंटेंसिव वर्कलोड, जहां पर भी बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल वर्क है, बहुत जैसे शेयर मार्केट के सर्वर्स हो गए या किसी आप कह लें कि बैंकिंग के सर्वर हो गए, जहां प्रोसेसिंग हो रही है, ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग हो रही है, उन पे कैलकुलेशंस हो रही हैं, कितनी बैलेंस शीट कितनी बनी है बैंक की आज, व्हाटएवर जो भी है, इस तरह के कामों के लिए आप इस तरह के सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर वो काम लिखे भी हुए हैं, कंप्यूट बाउंड वर्कलोड हो गए, हाई परफॉर्मेंस वेब सर्विंग हो गई, गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एट सर्विंग के लिए किया जा सकता है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए एंड मीडिया ट्रांसकोडिंग के लिए। ये पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ मीडिया ट्रांसकोडिंग से रिलेटेड आ गया और आपसे पूछा जाए कि किस सर्वर को आप चूज करेंगे, तो इन पॉइंट्स के बेस पे आप बता सकते हैं कि इसके लिए कंप्यूट ऑप्टिमाइज इज द बेस्ट वन। लास्ट इज द एक्सीलरेटर ऑप्टिमाइज, इसका इस्तेमाल होता है जहां पे आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत हो, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट आपको जहां चाहिए हो वहां पे आप इस फैमिली का इस्तेमाल करेंगे एक्सीलरेटर ऑप्टिमाइज का। इसका मतलब यहां पे ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है, वो ग्राफिक कार्ड NVIDIA का हो सकता है और किसी का भी हो सकता है, वो यहां पे अवेलेबल है। फिलहाल इनके पास एक ही सीरीज है दैट इज A2, इसके अंदर आपको स्पेशलाइज्ड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ मिलेगा, अलग अलग कैटेगरीज है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक
एक बात और कि आप रैम कितनी ले सकते हैं इस गूगल क्लाउड के अंदर, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वर्चुअल सीपीयू। जितने ज्यादा वर्चुअल सीपीयू होंगे उतनी ज्यादा रैम सपोर्ट करेगा वो सर्वर, ये बात भी आप याद रखिएगा। ऑप्टिमाइज फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वर्कलोड, बेस्ट फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग वर्कलोड। अगर पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है, पैरेलली आपको बहुत सारे वर्कलोड एक साथ हैंडल करने हैं, यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ फैमिली, दिस काइंड ऑफ सर्वर, ए टू सर्वर। यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड का भी सपोर्ट मिलता है, तो गेमिंग एप्लीकेशंस के लिए बहुत अच्छा है, और साथ साथ सूडा इनेबल अगर कोई काम आपने करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मशीन लर्निंग की जितनी भी एक्टिविटीज है, मशीन लर्निंग के लिए कोई सर्वर आपको चाहिए, AI ML के लिए कोई सर्वर आपको चाहिए, गो विद दिस एक्सीलरेटर ऑप्टिमाइज्ड। तो ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC यहाँ पे है, इसकी फुल फॉर्म यही है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मैसिव पैरेललाइज्ड कंप्यूटेशन। अगर आपको करनी है, पैरेलल वर्कलोड है आपका, एक साथ पैरेलली बहुत सारे काम आप करना चाहते हैं, यू कैन गो विद दिस काइंड ऑफ सर्वर। तो गाइज, दिस इज द फैमिलीज, चार फैमिलीज मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में, समरी में इन सबको एक बार बता भी दूंगा, बट इससे पहले अगर आप लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, और सोल टीनेंट और शेयर्ड कोर उनकी भी डिटेल मैं अब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने दो आप कह सकते हैं टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन और मेंशन की हैं, ऑल्दो ये मशीन फैमिली का हिस्सा नहीं है, चार मशीन फैमिली होती हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं, लेकिन ये उससे अलग है जो जनरली इस्तेमाल होती हैं। तो गूगल ने ऑफिशियली तो इसे मशीन फैमिली नहीं माना है, बट ये टाइप ऑफ मशीन आप कह सकते हो कि ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास GCP के अंदर। पहला होता है शेयर्ड कोर मशीन का, जिसमें आपका जो कोर है आपके CPU को शेयर किया जाता है। कोर अगर आपका एक कोर CPU है तो उसका एक वर्चुअल आप कह सकते हैं कि CPU शेयर किया जाता है, और दिस टाइप ऑफ VM इंटेंस टू टाइम शेयर द फिजिकल कोर, आपकी कोर को शेयर किया जाता है, आपकी जो कोर है उसका कुछ हिस्सा शेयर करके कुछ टाइम के लिए शेयर्ड कोर VM बना के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयर्ड कोर मशीन टाइप्स आर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन दैट वर्क्स वेल विद स्मॉल और बैच वर्कलोड दैट ओनली नीड टू रन फॉर अ शॉर्ट टाइम। छोटे वक्त के लिए कोई छोटा बैच प्रोसेसिंग करानी है, कुछ और करानी है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग कोर में से ही एक शेयर्ड कोर VPC बना, शेयर्ड कोर शेयर्ड कोर वर्चुअल मशीन बना सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। इट यूजेस पार्शियल VCPU, देखिए साफ साफ लिखा है कि ये पूरा VCPU यूज नहीं करता, पार्शियल VCPU यूज करता है और उसकी हेल्प से आपका काम पूरा करके आपको दे देता है। तो इस तरह का शेयर्ड कोर मशीन भी आप गूगल से किसी टाइम पे ले सकते हैं इफ यू नीड। इसीलिए गूगल ने इसको मशीन फैमिली में नहीं डाला, ये कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल वर्कलोड के लिए एज पर योर रिक्वायरमेंट इस टाइप की मशीन आप क्रिएट कर सकते हो, तो उसको कहा जाता है शेयर्ड कोर मशीन। इसके बाद गूगल कहता है एक और टाइप की मशीन आप मेरे से ले सकते हो, अगेन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीन फैमिली, ये कोई फैमिली नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ केस आप कह सकते हैं, एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें कस्टमर कहता है कि बॉस आप जो हार्डवेयर अपने डेटा सेंटर में लगा रहे हो, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था वीडियो में कि ये गूगल का डेटा सेंटर है, वहां पे एक हार्डवेयर लगा होता है, उसके ऊपर हाइपरवाइजर होता है और उसके ऊपर जो है मल्टीपल कंपनीज की वर्चुअल मशीन चल रही होती हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि SCL, TCS, Wipro इन सब कंपनीज के सर्वर यहाँ पे चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक एक IBM का है, एक TCS का है, एक SCL का है। तो कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है जो ये कहे कि नहीं भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरे जिस हार्डवेयर पे मेरा सर्वर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सर्वर चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरी कंपनी का सर्वर भी उस हार्डवेयर पे चले। मुझे मन में वहम है, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, आपका डेटा ना तो शेयर होगा, ना लीक होगा, ना हैक हो सकता है, कुछ नहीं होता है, ये एक मन का वहम है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि नहीं, आप मेरे हार्डवेयर पे और कोई काम नहीं करेगा। मैं कई बार जनरली ऐसा होता है ना, जब आप टैक्सी बुक करते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं अकेला जाऊं, इसमें कोई और ना बैठे, इसीलिए आप शेयर्ड टैक्सी या फिर ऑटो में नहीं जाते, आप बुक करके जाते हैं, नहीं तो मार्केट में अवेलेबल है, आप ऑटो में शेयर करके भी जा सकते हैं, 10-20 रुपए लोकल एरिया में हर जगह चलते हैं, लेकिन आप कहते हो नहीं मेरे को बुक करके जाना है, ये आपकी अपनी पसंद है, पहुंचाएगा वो भी डेस्टिनेशन तक, पहुंचाएगा ये भी डेस्टिनेशन तक, बट आपकी अपनी चॉइस है कि मैं पूरा ऑटो बुक करके जाता हूं। और आप ऐसा तब करते हैं जब आपका बजट ज्यादा होता है, जो काम 10 रुपए में हो सकता है आप 100 रुपए का ऑटो बुक करके सिर्फ तब जाएंगे जब आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं और आप कोई सिक्योरिटी चाहते हैं, आपको कोई डर है कि रात का टाइम है या कुछ ऐसा है, तो आप ऐसा करते हैं।
सिमिलर केस यहाँ पे है, कोई कस्टमर अगर उसके पास बजट अच्छा खासा है, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हर तरीके से मुतमईन होना चाहता है, एश्योर्ड होना चाहता है कि बॉस मेरे मशीन के ऊपर और कोई नहीं आ सकता या और किसी का एक्सेस नहीं है और किसी की मशीन नहीं चल रही है, इन दैट केस आप सोल टीनेंट नोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ डेडिकेटेड सर्वर जहाँ पे ये जो हार्डवेयर है इस पे सिर्फ आपकी वर्चुअल मशीन चलेंगी, दूसरे की नहीं चलेंगी। ऑफकोर्स कंपनी अगर आपको अपना पूरा हार्डवेयर डेडिकेट करके दे रही है तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि उस पे जहां वो चार लोगों से लेके कमा सकता था, जस्ट आप ऑटो का एग्जांपल ले लें, जहां वो चार लोगों को लेकर जाएगा तो 40 रुपए कमाएगा, आप अकेले जा रहे हो तो ऑफकोर्स वो आपसे 40 हो सकता है, 60 भी चार्ज करे क्योंकि अब आप अकेले जा रहे हो, तो वो तो उसको एक ही बात है, चाहे चार लोग बैठ के जाओ तब भी उतना ही लेगा, अकेले जाओगे तब भी उतना ही लेगा। सिमिलर केस यहां पे है, अगर आप सोल टीनेंट के साथ जाओगे तो ऑफकोर्स आपको इसका पे करना पड़ेगा, इस डेडिकेटेड हार्डवेयर के लिए पे करना पड़ेगा जो गूगल ने आपके लिए रिजर्व किया है अपने डेटा सेंटर में। अब आप इसको इस्तेमाल करें ना करें, इसके ऊपर वर्चुअल मशीन चलाएं ना चलाएं, आपको इसका बिल देना पड़ेगा बिकॉज़ ये गूगल ने आपके लिए रिजर्व कर दिया है। गॉट द पॉइंट, आई होप ये समझ आ गया होगा। तो यही बात यहां पर लिखी है अंग्रेजी में, सोल टीनेंट नोड्स आर द सर्वर फॉर कंप्यूट इंजन दैट आर डेडिकेटेड फॉर द यूजर्स ऑन प्रायोरिटी। तो आपको डेडिकेट कर दिया जाता है वो हार्डवेयर, उस पर सिर्फ आपकी वर्चुअल मशीन चलती हैं। द पर्पज ऑफ दीज नोड्स इज टू सर्व द डिप्लॉयमेंट फॉर बायोल एप्लीकेशन। यस, यहां पर ये बात भी लिखी है कि इसका पर्पज सिर्फ यही नहीं है जो मैंने बताया, इसका पर्पज ये भी है कि कई बार आपके प्रमाइसिस में जो ऑलरेडी ऑन प्रमाइसिस सर्वर चल रहे हैं, वहां पे आपके पास कोई ऐसा सर्वर चल रहा है जिसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पालो आल्टो का वर्जन चला रहे हैं या आप कोई विंडोज का एंटरप्राइज वर्जन चला रहे हैं जिसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है और आपने ऑलरेडी वो परचेस किया हुआ है। तो जब हम वर्चुअल मशीन पढ़ेंगे, जब उसकी लैब करेंगे, तो आप देखना, मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम कोई विंडोज सर्वर बनाएंगे तो वहां पर उसकी लाइसेंसिंग की कॉस्ट भी जुड़ी होती है जो बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन महीने की $30 के आसपास होती है। तो ये एक अच्छी खासी कॉस्ट है, यानी लाइसेंस की कॉस्ट 50% होती है। पूरे वीएम का बिल अगर 100 रुपए का है तो लाइसेंस की बिलिंग उसमें 50 रुपए की होती है, ये समझो आप। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी, कि आप क्यों कहोगे मैं तुमसे लाइसेंस क्यों लूं अगर मेरे पास ऑलरेडी है। ऐसे केस में भी आप अपना डेडिकेटेड हार्डवेयर लेके अपने जो लाइसेंस आपके खुद के ऑन प्रमिसेस में चल रहा था वही लाइसेंस आप यहाँ पर वो कर सकते हैं, मतलब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उस लाइसेंस की आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के, व्हाटएवर जो भी है, और अपने इसी हार्डवेयर पे उस लाइसेंस को रन करा सकते हैं। तो आपको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लाइसेंस की क्लाउड पे लगने वाली थी वो नहीं लगेगी। तो बायोल इज द ऑप्शन, ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस। अगर आपके पास अपना लाइसेंस है किसी वर्जन का, किसी सॉफ्टवेयर का, तो वो आप अपने हार्डवेयर पे, एक हार्डवेयर आप ले लो जस्ट गूगल से और लाइसेंस अपना उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दो, अप्लाई कर दो। द सोल टीनेंट नोड्स प्रोवाइड यू एक्सेस टू सिमिलर वीएम कॉन्फ़िगरेशन एंड मशीन टाइप जस्ट लाइक रेगुलर कंप्यूटर इंस्टेंसेस। इसीलिए इसको मशीन फैमिली में नहीं डाला गया है, क्योंकि बाकी सारे फीचर या कॉन्फ़िगरेशन इसने क्या कहा है कि जो मशीन टाइप्स मेरे पास हैं, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, वही सब रहेगा, बस यहां हार्डवेयर डेडिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये मशीन फैमिली का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सोल टीनेंट किसी भी मशीन फैमिली में बन सकता है। आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज में बना सकते हो, मेमोरी ऑप्टिमाइज में बना सकते हो, बस डिफरेंस क्या होगा, यहां पे हार्डवेयर आपके लिए डेडिकेट कर दिया जाएगा जहां पे आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए मैंने इनको मशीन फैमिली में नहीं डाला और आपको अलग से बता दिया, बट बता इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है कि आगे कहीं इसकी जरूरत पड़े और मैं इसको भूल जाऊं, ऑल्दो बीच बीच में ये टॉपिक्स आते रहेंगे। इसके अलावा मेरे को एक टॉपिक और याद आ रहा है, कस्टम जो मैं आपको बता रहा था, कस्टम मशीन जो हमारी होती है, हमारे पास बेसिकली गूगल में दो टाइप की मशीन होती है, कस्टम मशीन और प्री डिफाइन। तो प्री डिफाइन की तो सारी बातें हमने कर ली, कस्टम मशीन के भी कुछ पॉइंट्स आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको जो कस्टम मशीन टाइप के बारे में बताया था उसकी कुछ बेसिक सी बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली ये बातें लोग अवॉइड कर देते हैं, बस इतना बता के छोड़ देते हैं कि कस्टम टाइप होता है, बट उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ़ नन ऑफ द प्री डिफाइंड मशीन टाइप मैचेज योर नीड, अगर आपकी कोई नीड ऐसी है जिसमें आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास स्पेसिफिकली 7.75 GB की रैम हो, और इस तरह के सर्वर आपको AWS में नहीं मिलेंगे, Azure में नहीं मिलेंगे, पर Google में क्योंकि कस्टम मशीन टाइप का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप 7.75 GB रैम का सर्वर ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप 7.90 GB रैम का सर्वर ले सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ही कह रहा हूं कि कस्टम में तो कितना भी ले सकते हैं, सो आंसर इज नो।
तो वो पॉइंट भी मैंने यहां लिखा है। इसीलिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है गाइस, हर चीज बतानी जरूरी है, खाली ये कह के छोड़ देना कि कस्टम में कितना भी ले सकते हो इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि यहां पे मल्टीपल ऑफ 2.25 होना जरूरी है। आप जो रैम लोगे वो 0.25 के मल्टीपल में हो सकती है, वो 7.25 हो सकती है, वो 7.50 हो सकती है, वो 7.75 हो सकती है, पर वो 7.8 या 7.9 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑफ 0.25 का एडिशन करोगे उस तरह के मल्टीपल हो सकते हैं, 25-25 ऐड करते जाओ, 0.25 ऐड करते जाओ, तो वही रैम आप ले सकते हो। तो कस्टम में भी कुछ लिमिटेशंस हैं ये कह लो, या कुछ चीजें हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, ऐसा नहीं है कुछ भी ले लोगे भैया, वहां भी एक तरीका है एलोकेट करने का। तो ये कहते हैं दी मेमोरी पर वीसीपीयू। अगर मैं वीसीपीयू की बात करूं तो वीसीपीयू चाहे कस्टम में हो चाहे प्री डिफाइंड में हो, वीसीपीयू भी तीन टाइप के होते हैं। जनरली आपको जो नॉर्मल में मिलेंगे वो 0.9 जीबीयू का एक वीसीपीयू, यानी वीसीपीयू एक ही काउंट होगा, बट इट डिपेंड्स कि वो किस कैटेगरी का है। अगर हाई कैटेगरी का है तो वहां पे एक वीसीपीयू का मतलब 6.5 जीबी होता है, 6.5 जीबी का एक वर्चुअल सीपीयू होता है हाई मैम के अंदर। लेकिन अगर आप नॉर्मल की बात करेंगे, नॉर्मल कैटेगरी में जाएंगे तो वहां पे 0.9 जीबी का भी एक वीसीपीयू होता है, और यहां पर 3.75 का भी एक VCPU हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब मैं लैब कराऊंगा, जब चीजें पढ़ाऊंगा, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। अभी के लिए ये समझ के रखें कि एक VCPU की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। गूगल में वो वैल्यू 3 है डिफाइन, 0.9 जीबी का एक VCPU हो सकता है। जो अपर लेवल के सर्वर है जहां हाई कॉन्फ़िगरेशन है, वहां हमने एक VCPU को 3.75 जीबी के इक्विवेलेंट माना है। जो उससे ऊपर की कैटेगरी के सर्वर है वहां पे 6.5 जीबी को हमने एक VCPU के बराबर माना है। बस इतना आप याद रखिए। टोटल मेमोरी फॉर अ कस्टम मशीन टाइप मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 256 MB, ये रियलिटी में है। और अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो 0.25 का मल्टीपल, जो मैंने जस्ट आपको अभी समझाया है, ये होना जरूरी है। रैम आप 0.25 के मल्टीपल में लेंगे। अगर कोई आपसे कहता है कि क्या मैं 4.7 की रैम ले सकता हूं कस्टम मशीन में, आंसर इज नो, क्योंकि 0.75 ले सकते हैं मल्टीपल ऑफ 0.25, ठीक है, आपको वो लेना है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि कस्टम में ऐसा नहीं है, कोई आपसे पूछे कि क्या मैं 5 वीसीपीयू की मशीन बना सकता हूं, आप ही कह रहे हो कितने भी वर्चुअल सीपीयू लेके बना सकते हैं और कितनी भी रैम ले सकते हैं, नो ऐसा नहीं है। एक VCPU का बन सकता है और एक के बाद हमेशा मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि इवन नंबर्स में आप VCPU ले सकते हैं। 2 VCPU ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, बट 3-5 ऑड नंबर में VCPU नहीं ले सकते। ये मिट गया यहां पे। तो आप हमेशा इवन नंबर में VCPU ले सकते हैं। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, और जनरली पूछा जाता है कि अच्छा कस्टम मशीन में तो मैंने सुना है कुछ भी बन जाता है, तो मैं मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है 5 VCPU चाहिए उसे और एक रैम चाहिए उसको 8 GB की, तो क्या ये पॉसिबल है? आप कहोगे हाँ सर पॉसिबल है, आप ध्यान ही नहीं लगाओगे, आप सोचोगे अरे भूपेंद्र सर ने बताया तो था कस्टम में तो कुछ भी बन जाता है, बट नहीं, 5 VCPU is not possible. Why? क्योंकि ये even number होना चाहिए. 1 is possible. 1 के बाद 2 possible है, 4 possible है, 6 possible है, 5 possible नहीं है guys. So this is incorrect. This is not possible. कोई interview में आपसे पूछ ले तो आपको confidently इन चीजों के जवाब देने हैं. तो ऐसी बहुत सारी दिलचस्प चीजें मैं अगले upcoming lectures में भी लेकर आऊंगा. I hope आपको यहाँ एक मतलब लगा होगा कि यार सही में भूपिंदर सर ने आज कुछ ऐसा बता दिया है. जो Google Cloud पढ़ रहे हैं ना, उनको भी अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं उन्हें कम से कम 10 बातें आज ऐसी सीखने को मिली होंगी जो उन्होंने अब तक कहीं नहीं सुनी होंगी। तो ऐसे ही दिलचस्प लेक्चर मैं लेकर आने वाला हूं गूगल क्लाउड के। ये पहला लेक्चर है वर्चुअल मशीन का, इसके बाद इसके अगले पार्ट यहीं पर आएंगे। इससे आगे की बातें अभी मैं करूंगा, बहुत कुछ आपको बताऊंगा वर्चुअल मशीन में जो शायद किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाता और कहीं बताया भी नहीं जाएगा किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा आप यहां इन वीडियोस को देखें, मल्टीपल टाइम देखें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। लैब भी ऐसे ही डिटेल में सारी लैब लेकर आऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप फिर चाहे गूगल का एसोसिएट इंजीनियर क्लाउड का एग्जाम निकाल लेना, प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट का एग्जाम निकाल लेना, कुछ भी कर लेना, सारे एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई टेंशन आपको नहीं होने वाली है। बस आपका मुझे सपोर्ट इतना चाहिए कि इस वीडियो पे लाइक भी करिएगा अगर यहां तक मेरी बात सुन रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हो सकता है मुझे ये बात ना पता चले पर मुझे दिली तौर पर बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे कभी पता चलता है कि आपने मेरा वीडियो
वीडियो लिंक्डइन पे शेयर किया है या फेसबुक पे शेयर किया है, आप वो लिंक शेयर करने के बाद मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मैंने फेसबुक पे शेयर कर दिया है, सर मैंने लिंक्डइन पे शेयर कर दिया है। आप सपोर्ट हमारा आपको पूरा है, आप बस वीडियो लेकर आते रहें। आपका सपोर्ट जितना ज्यादा रहेगा मेरी हिम्मत बनी रहेगी और मैं इस तरह के नए दिलचस्प लेक्चर लेकर आता रहूंगा। क्लाउड बहुत इजी है दोस्तों, अगर किसी के मन में अभी भी कोई डाउट है कि क्या मैं ये पूरा जीसीपी पढ़ पाऊंगा, मैं आर्ट से हूं, मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं, मैंने बीए किया है, बीकॉम किया है, हिस्ट्री बैकग्राउंड से हूं, बॉस कोई भी पढ़ सकता है। मैं कहता हूं 12th के बच्चे को मेरा वीडियो दिखा देना, उसको भी समझ आ जाएगा कि भूपिंदर राजपूत क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये सब चीजें तो बताता ही रहता हूं, चलिए बात को अब एज यूजुअल किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। कल मैं इंस्टाग्राम पे कहीं साकी अमरोही को सुन रहा था, और साकी अमरोही जो हैं ये बड़े ही फेमस शायर रहे अपने ज़माने के, और इनकी ये गज़ल थी जो मुझे कल बड़ी पसंद आई, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँगा। और वो कुछ यूं थी कि खुदा ने क्यों दिले दर्द आशना दिया है मुझे, खुदा ने क्यों दर्द दिल आशना दिया है मुझे, इस आगही ने तो पागल बना दिया है मुझे, तुम्ही को याद ना करता तो और क्या करता, तुम्ही को याद ना करता तो और क्या करता, तुम्हारे बाद सभी ने भुला दिया है मुझे। सौबतों में सफर की कभी जो नींद आई, सौबतों में सफर की कभी जो नींद आई, मेरे बदन की थकन ने उठा दिया है मुझे, मैं वो चराग हूं जो आंधियों में रोशन था। गौर फरमाइएगा इस शेर पे, मैं वो चराग हूं जो आंधियों में रोशन था, खुद अपने ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। बस एक तोहफा ए इफलास के सिवा साकी, बस एक तोहफा ए इफलास के सिवा साकी। तोहफा इफलास कहते हैं आप जो होता है ना, गरीबी कह लें आप, ठीक है, तो उसको कहते हैं। बस एक तोहफा ए इफलास के सिवा साकी, मशक्कतों ने मेरी और क्या दिया है मुझे, मशक्कतों ने मेरी और क्या दिया है मुझे। तो साकी अमरोही की मैंने ये गज़ल सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने ये आपके साथ शेयर किया। और इनका एक एक शेर था नासिर काजमी का, और वो शेर यूं था, बस दो लाइनों का शेर है, आपके साथ बस ये छोड़कर जाना चाहूँगा। और बस फिर आप, हो सकता है कि वो जो एक शायर थे ना जिन्होंने एक शेर ये कहा था कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए, तो हो सकता है आपकी भी वो हालत हो जाए फिर शेर के बाद। ये शेर यूं था कि वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है। तो चलें, इस तरह की बातें वाक्यात होते रहते हैं, और वीडियो को यार सपोर्ट करें। जैसा कि मैंने बताया, वेबसाइट हमारी बन चुकी है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके हमें डोनेट भी कर सकते हैं, दुनिया भर में जहाँ भी है पेपाल के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जीसीपी के लेक्चर्स लेके आ जाऊँ। इवन आई विल ट्राई कि कुछ और वीडियोज़ जो मेरे पास हैं, मेरे अपने लेक्चर्स हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको प्रॉपरली बना के आप तक जल्दी से जल्दी शेयर करूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, कितनी नई और ताज़ा लगी, या ये कह लें कि दिमाग को खोलने वाली लगी कि अच्छा ऐसा भी, ये चीज़ें भी हैं जीसीपी के अंदर। ज़रूर एक जेन्युइन कमेंट मुझे दीजिएगा, सो दैट मुझे आगे के लिए फीडबैक मिल सके कि मुझे वीडियो कैसी बनानी है। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।